और हम तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वेअर विल बी एक्चुअली वी सॉल्विंग सम पी वाई क्यूज तो जितने भी क्वेश्चन आज हम पिक करने वाले है, वो previously tested questions हैं वो प्रीवियसली टेस्टेड क्वेश्चन हैं इन आई पी मैट तो इससे क्या होगा इससे आपको सॉलिड एक्सपोजर मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा किस तरह का डिफिकल्टी लेवल आता है आप अक्वेंट हो जाएंगे टू द स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन सो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन सो लेट्स बिगिन विद टूडेज सेशन माई नेम इज़ जूही नरूला और मेरे को अब पक्का से पता है क्योंकि अब आपके बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं अब आप ज़्यादा फोकस्ड हो तो आपने प्रीवियस टू वन शॉट्स भी देख लिए होंगे नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए हमने वन शॉट सेंटेंस करेक्शन का करा है जहाँ पे हमने ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वन शॉट बनाया है सारे पॉइंटर्स डिस्कस करें जिसपे क्वेस् आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है वन शॉट सेंटेंस कंप्लीशन का किया है ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है आई मैट का तो आपको हॉलिस्टिक एक्सपोजर मिलेगा मज़ा आएगा आपकी लर्निंग सॉलिड होगी राइट right? तो आज हम क्या डिस्कस डिस्कस करेंगे को करेंगे। को तो नेम ही बहुत कुछ तो सजेस्ट करता है पैराग्राफ एंड यू हैव टू इट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलते हैं और शॉर्ट पैराग्राफ राइट यू डोंट गेट लेंथी पैराग्राफ्स हियर और आपको उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है सो देअर कैन बी अ ब्लैंक इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन या अगर आपको कोई ब्लैंक इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन नहीं मिल रहा इसका सीधा सीधा ये भी एक इंफ्लुएंस हो सकता है कि आपको लास्ट स्टेटमेंट को इंसर्ट करना है राइट सो यू हैव टू कम्प्लीट अ पैराग्राफ तो आप किसी पैराग्राफ को कम्प्लीट करेंगे तो आप कब कंप्लीट कर सकते हैं जब आप इन सिंक या इन रिदम होते हैं विद द पर्स्पेक्टिव ऑफ द ऑथर तो ऑथर की आइडियोलॉजी क्या है ऑथर क्या कहना चाहता है क्रक्स ऑफ द डिस्कशन आपको समझ में आया ऑथर ने किस टोन में आर्टिकल लिखा ये आपको समझ में आया किस तरीके से आइडियाज़ बिल्ड हो रहे हैं डिस्कशन में ये सब बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है देखिए कहीं ना कहीं अगर सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन की बात करें या हम पैरा कंप्लीशन की बात करें या पैराजम्बल्स की करें या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की करें इन ऑल दीज क्वेश्चन कॉमन थिंग ऑल दीज क्वेश्चन आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर अवेयरनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू राइट तो आपको जो कॉन्टेक्ट दिया गया है आपको जो आइडिया दिया गया है जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड है जो पैसेज प्रोवाइडेड है जो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है वो आपको किस एक्सटेंट तक समझ में आए ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है तो लाइक इट इज सजेस्टेड ना कि आपको टोन ऑफ डिस्कशन पता होनी चाहिए टोन ऑफ डिस्कशन का मतलब हाउ द ऑथर इज रिटन द दर्ग्यूमेंट तो अंटिल अनलेस यू आर क्लियर विद हाउ द ऑथर इज रिटन द दर्ग्यूमेंट वट इज द दर्स्पेक्टिव ऑथर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश क्रक्स ऑफ द डिस्कशन क्या है तो फिर अगर आप ये चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इन क्वेश्चंस में फंसोगे और वो हम नहीं चाहते राइट तो हमेशा फोकस करिए कि अस यानी कि ओवरऑल स्टोरी क्या है ये आप ग्रैप कर जाए देन बी इन सिंक विद द स्ट्रक्चर तो किस तरीके से आइडियाज फ्लोट हो रहे सपोज एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सिर्फ बेनिफिट की बात कर रहा है जो टोन ऑफ डिस्कशन है वो पॉजिटिव है और कोई एक आंसर च्वाइस दे दे जो नेगेटिव की बात कर रही है तो दैट इज गोइंग विदाउट यू नो द प्रॉपर होराइजन और द एरिया ऑफ डिस्कशन इज इंट इट देन ऑफकोर्स अगर आप कोई भी पर्स्पेक्टिव एड करते हो यानी कि जो आपका इंसर्टेड स्टेटमेंट होगा या जो आंसर च्वाइस आप पिक करोगे जिससे पैराग्राफ कंप्लीट होगा उसकी एक

कि एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है राइट यू हैव टू गो एज पर द फ्लो ऑफ द डिस्कशन यू हैव टू गो एज पर द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर तो अपना ओपिनियन नहीं लगाने लग जाना राइट right? अपने जजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करने कई बार ट्रैप आंसर चॉइसेस दे देते हैं बट जैसा मैं बार बार कहती हूँ जो गेम है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का वो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है मतलब द आंसर शुड बी इन सिंक एंड इन एसोसिएशन विद द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर तो आर्ग्यूमेंट का बॉस कौन है हमेशा ऑथर है पैसेज का बॉस कौन है हमेशा ऑथर है राइट right? तो आपको आप बॉस नहीं बनना आपको जज करनी है कि क्या पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया गया है इन द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज इन द क्वेश्चन एंड अलाइन योर आंसर अकॉर्डिंगली राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं सो देन वॉट कैन बी द रोल ऑफ द आंसर इट कैन बी कि अगर सपोज करिए उसने कहा कि देर इज वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और एक टर्म दे दी गई कॉन्ट्ररी टू तो आपको पता चल गया कि अगर एक नेगेटिव ट्रांजिशन आया है तो मुझे एक आंसर को पिक करना है जो दूसरा पर्सपेक्टिव ऑफर करे राइट right? या फिर हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट को ऑथर कंक्लूसिव तरीके से देना चाह रहा है या रीअफर्म कर रहा है अपने आइडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है यानी कि कॉन्सेप्ट को री कर रहा है इट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं एंड इन द एंटायर डिस्कशन दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट हाउ यू कैन ओवरकम दिस चैलेंज सो इट कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन एज वेल इट कैन ऑल्सो बी अ अजलिटी कॉजॉलिटी मतलब कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी आपको दिख सकता है इट कैन बी एन एडिशनल पॉइंट इट कैन बी एन एग्जाम्पल तो ये कई पॉसिबिलिटीज हैं अब आपको कैसे पता चलेगा कैसी पॉसिबिलिटी है कॉन्टेक्स्ट देख के राइट रेलिवेंस देख के समझ के कि टोटल पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन कन्वेड है तो एक बार आपने वो कंट्रोल में कर लिया फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती राइट सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज ग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन तो आपको मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चाहे पॉज कर लेना पर यह ग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन आपकी नोटबुक में रहने चाहिए और एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना तो ग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करना है तो किस-किस तरीके से ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं तो पहला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड ही नहीं है बार-बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इट शुड बी इन सिंक विद द पर्सपेक्टिव और द आर्गुमेंट गिवन राइट सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग एक्सट्रीम आंसर्स जहां भी आपको वर्ड्स लिखे आप चाहे लिख लो ये वर्ड्स ऑलवेज नन ओनली मस्ट नेवर इन चॉइसेस को लेकर आपको हमेशा सस्पिशियस रहना एक्सट्रीम आंसर्स को यूजुअली अप्रिशिएट नहीं करा जाता इसका सीधा सीधा पर्सपेक्टिव है कि कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स जिसमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं वहां पर कोई एक ऐसा क्लेम दे देते हैं जो ऑथर के क्लेम से स्ट्रोंगर है राइट सो दिस कैन नॉट हैपन कमिंग टू द सेम पॉइंट दैट ऑथर हैज टू बी द बॉस ऑफ द आर्ग्यूमेंट राइट देन कोई आंसर चॉइस जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है मतलब डिस्कशन के बियॉन्ड ही जा रही है उसने कहा कि एक टेक्नोलॉजी uh, है टेक्सटाइल इंडस्ट्री uh, में उसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है वो बहुत इंक्रीज कर गई है और एक आंसर चॉइस दे दे कि दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू इंप्रूव ऑल द इंडस्ट्रीज इन द यू सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज वेरी स्पेसिफिक टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री राइट सो दैट इज वेयर द चॉइस इज टू ब्रॉड या टू नैरो हॉलिस्टिकली पैसेज को कवर ना करे वो भी एक वीक आंसर स्टेटमेंट हो सकता है रिडंडेंट रिडंडेंट मतलब रेपिटेटिव है राइट right? कोई नया आइडिया नहीं प्रेजेंट करती या रिवर्सल रिवर्सल मतलब ऑपोजिट इन फ्लो और परस्पेक्टिव और अगेंस्ट द ऑथर राइट सो यू हैव टू बी केयरफुल कि इन ग्राउंड्स को आप कंसिडर करें जब भी आप पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन कर रहे हैं राइट right? सो so, अब आपको क्या समझना है कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए सो आई जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप एक बार रीड कर सको स्टेटमेंट को कैन बी द क्रक्स ऑफ द पैसेज इट कैन बी एन एक्सटेंशन इट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस आइडिया जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको टोन और स्टाइल ऑफ डिस्कशन जो मैं बार बार कह रही हूँ कि पैसेज का सेंस समझो टोन समझो राइट right? किस तरीके से आइडिया बिल्ड किया गया उसको समझो एक्सट्रीम आंसर्स को अवॉइड करो जितना हो सके राइट right? रीस्टेटमेंट्स और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करो मेन आइडिया को पकड़ो तो बार बार जब हम स्टूडेंट्स को कहते कि बच्चे कहते मैम क्या हम करें जिससे हम इम्प्रूव कर पाए राइट इंग्लिश सेक्शन में वी सेक्शन में तो मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में कहती हूँ कि रीड करिए आप एक से डेढ़ घंटे की जनरल रीडिंग करिए अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जनरल रीडिंग ज़रूर करिए बिकॉज यू नो ऑल दीज स्टेप्स और ऑल दीज क्वेश्चन आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑफर्ड टू यू राइट एज मच एज पॉसिबल टेक क्लूज फ्रॉम ट्रांजिशन वर्ड सो बट येट नन नंद इंस्पाइड फर्दर मोर इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे करेक्ट आंसर की जैसे आपको लास्ट वर्ड दे दिया बट तो आपको पता है कि अब प्रीवियस आइडिया से हमें दूसरी डायरेक्शन में डिस्कशन को लेके जाना है आपको वर्ड दे दिया फर्दर मोर तो आपने देखा कि अच्छा अब फर्दर मोर का क्या रोल है कि आइडिया को बिल्ड करना है राइट तो इस तरीके से ट्रांजेशंस आपको बहुत हेल्प करते हैं और ट्रांजिशंस मैंने सेंटेंस कंप्लीशन की क्लास में भी आपको बताया था बहुत क्रूशल है इनफैक्ट मैं हर क्लास में ही कहती हूँ ट्रांजिशंस पे ध्यान दो तो ये आपको बहुत यू नो इजी कर देता है क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसेस को राइट right? तो अब हम क्या करते हैं वील सॉल्व सम क्वेश्चन जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो आईपी पी मैट ट्वेंटीन का एक्चुअल क्वेश्चन है राइट सो यू कैन पॉज द वीडियो इन केस यू विश टू अगर आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो राइट right? और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम के साथ कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो वी कैन बी टूगेदर हियर राइट सो लेट्स सी दिस तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंसर्ट करना है राइट right? अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं सबसे पहले चॉइसेस मत देखिए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़िए तो पैराग्राफ ने क्या बोला ये आपको जानना समझना जरूरी है तो पैराग्राफ बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ पेव्ड सर्फेसेस डिसरप्ट वाटर अब्जॉर्बशन एंड लोअर वाटर रिटेंशन तो कह रहे हैं कि जो पेव्ड सर्फेसिज होते हैं यानी सीमेंटेड सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आपने देखा फुटपाथ बन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डिसरप्ट ड्रिप्स डिसरप्ट मतलब ख़राब कर देता है देखो डिसरूट है यानी कि द वर्ड विल बी नेगेटिव यानी कि जो वाटर अब्जॉर्बशन uh, है क्योंकि अगर मिट्टी होगी तो पानी सोखेगी और अगर कंस्ट्रक्टेड सरफेस है पेवमेंट है तो पानी नहीं सोखेगा तो वो उसको डिसरप्ट कर रहा है राइट एंड लोअर्स व रिटेंशन तो यानी कि जमीन की पानी सोखने की एबिलिटी कैपेसिटी कम हो जाती है और रिटेंशन इज होल्डिंग वाटर वाटर रिटेंशन इज इज दॉइल इज द सर्फेज एबल टू होल्ड द वॉटर राइट तो दिस लीड्स टू अब आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम बोली अब उसका यू नो इम्पैक्ट बोल रहे हैं दिस लीड्स टू डिजास्टर्स लेवल्स ऑफ फ्लडिंग टू डिजास्टर्स मतलब जिससे हार्म होता है राइट टू डिजास्टर इज जहाँ पे एक्सेसिव हार्म हो रहा है राइट right? बहुत नुकसान होना दैट इज डिजास्टरस लेवल्स ऑफ फ्लडिंग फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ जाती है विच डिमिनिशेस डिमिनिशेस मतलब रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पावर इम्पॉवरिश मतलब मेक द पीपल पुअर ऑफ द रीजन तो ऑफकोर्स अगर फ्लड आएगा तो वहां पे जो uh, फ्लोरा एंड फोना है उस पर इम्पैक्ट आएगा आएगा ही आएगा राइट क्योंकि बाढ़ में आप देखते कितने पौधे डूब गए या पशु पक्षियों को हार्म हो गया राइट एंड इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड ऑफकोर्स द पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड राइट तो दैट इज द प्रॉब्लम और इसका इम्पैक्ट क्या है दैट हैज बीन डिस्कस्ड शुड बी यूज माइंडफुली टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग इसका अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया एक सोल्यूशन दे दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है राइट right? अब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट को इंसर्ट करना है तो हमें देखना है कि बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सिंस दॉटर अटेंशन इज पुअर दैट लीडिंग टू फ्लडिंग दैट इज कॉजिंग हार्म एंड इवेंचुअली द सोल्यूशन इज गिवेन सो बी हाउ आर वी

फ्लडिंग कैन हैपन आफ्टर हैवी और लो रेनफॉल और आपने फ्लडिंग की बात करी फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए राइट तो इससे क्या हुआ डिस्कशन तो डिग्रेस कर गया फ्लडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिर फ्लडिंग राइट तो इससे कोई सीक्वेंस या फ्लो ऑफ आइडियाज एस्टेब्लिश नहीं होता तो बी तो मेरा कन्विंसिंग आंसर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग फ्लडिंग सो दिस इज

तो अगर आप बीसीडी को प्लेस करके भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बीसीडी तो लॉजिकली डिस्कशन को आगे ले जाने में मदद ही नहीं कर रहा तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं द आइडियाज हैव टू बी कनेक्टेड हैज टू बी बी सम इंटरलिंकिंग मे विद द प्रीवियस आइडिया मे बी विद द कमिंग आइडिया एट टाइम्स विद बोथ द आइडियाज सो इफ यू पिक चॉइस ए दिस इज शोइंग कनेक्शन टू द फॉलोइंग आइडिया कि भाई क्लाइमेट चेंज इज नॉट द रीजन देर आर अदर रीजन और वो पॉसिबल रीजन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को पिक करके ऑथर ने आर्ग्यूमेंट बिल्ड करती ठीक है सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन चॉइस से आई होप आपको समझ में आया लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स ट्राई दिस अगेन आई असाइड ताकि एक बार अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो आप अच्छे से कर सको और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको चलिए तो पढ़ते हैं फ्यू लुक फॉरवर्ड टू ओल्ड एज एंड ऑल दैट इट ब्रिंग्स इन इट्स वेक वे डिटेर मतलब जहां पे गिरना होता है इट्स योर हेल्थ इज गोइंग डाउन राइट लॉस ऑफ विगर विगर मतलब जो आपकी एनर्जी होती है उसमें कमी आती है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपके घुटने या जोड़ों का दर्द हो जाता है तो आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लिमिटेड हो जाती है

है बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर गेटिंग ओल्ड एंड दिस इज बाउंड टू हैपन राइट सो देन दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस सो दैट्स अ फर्स्ट पॉसिबल थिंग एज पर द ऑथर राइट सो देखिए फर्स्टली ट्रांजिशन मतलब आइडिया बिल्ड हो रहा है उसने कहा येट सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बट देन यू हैव टू मैनेज ओल्ड एज सो वट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट टू हैव दिस एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड एज नाउ लेट सी इक्वली इंपोर्टेंट तो देखो इक्वली इंपॉर्टेंट अब दूसरी बात कर ली तो देख रहे कैसे आइडिया बिल्ड हो रहे कैसे ट्रांजेक्शन आपको हेल्प कर रहे पकड़ने में हाउ द आइडियाज फ्लोइंग ज द नीड टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ तो ये भी दूसरा एक तरीके का सोल्यूशन ही है कि भैया तुम कैसे कोप करोगे पहले एक्सेप्टेंस दो वट एवर पॉजिटिव राइट तो अब यहाँ पर अगर आइडिया को बिल्ड करना है तो यानी कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट शुड टॉक अबाउट अ पॉसिबल सोल्यूशन एज पर दर फ्लोइंग पर आप एक बार सोच लीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करिए बिफोर यू जम्प टू द ऑप्शन अब ऑल पीस ऑफ माइंड इज दाम मतलब इफेक्टिव रेमिडी दैट ब्रिंग्स इक्वनिमिटी इक्वनिमिटी मतलब कंपोजर कामनेस टू वंस लाइफ वी मस्ट रिजाइन आर सेल्फ टू ग्रोइंग ओल्ड रिजाइन मतलब आप मतलब लड़िए मत कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं आप ये स्वीकार कर लीजिए कि हाँ बुढ़ापा आ रहा है एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ राइट So, uh, we must uh, resign ourselves to growing old, and in the process, let us try to make life as fulfilling, as meaningful as possible.

सो ओइंग टू एडवासेज इन मेडिकल साइंस वी नाउ एक्सपेक्ट टू लिव वेल बियॉन्ड नाइंटी ईयरस तो हम ये नहीं कह रहे कि मेडिकल साइंस के इंटरवेंशन से एज आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है राइट हम ये कह रहे हैं कि ओल्ड एज आ गई है अफ टू रिजाइन टू इट एंड अब आप कहो कि नहीं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नाइन्टी ईर्स आ गई है कोई सोल्यूशन तो है नहीं सो इवन दिस चॉइस इज नॉट शूटिंग बी कैन गो आउट Physical debility, debility is becoming weak and stiffening body joints, creaking in protest may make mobility difficult. This is talking about a problem. hum solution So C cannot be the answer. Turning nostalgic uh,

अगर यहां पर हम बात कर रहे होते कि जो पहला स्टेप है वो ये एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड एज और ये वाला स्टेटमेंट मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ ठीक है ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूं मैं अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो पॉसिबली हम डी को कंसिडर करते पर एक्सेप्टेंस के पॉइंट से ऑथर आगे बढ़ गया और पॉजिटिव एटीट्यूड के पॉइंट पे आ गया

तो एक बार आप ट्राई करो द दरब स्प्रिंग इज वाइडली बिलीव टू हैव स्टेम्ड फ्रॉम डिस विद द रूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट थ्रू दो हैव स्पेक्यूलेटेड स्पेक्यूलेटेड मतलब गेस्ट दैट वाइड गैप्स इन इनकम लेवल्स में हैव हैड हैंड एज वेल तो एरब स्प्रिंग वॉज बेसिकली अ रेवल्यूशन और वो क्यों स्टार्ट हुआ स्टेम्ड मतलब ओरिजिनेटेड हाउ डिड इट कम ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन एंड रूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स राइट तो कुछ ने कहा है कि वाइड गैप्स थे इन इनकम लेवल्स में हैव हैड अ हैंड एज वेल इश्यूज सच एज पोलिटिकल करप्शन ह्यूमन राइट वायलेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेटेड बट डिस यूथ हैव बीन रिस्पॉन्सिबल एज वेल तो पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट में तो हम बात करें कि वॉट कुड बी द पॉसिबल कॉजेस जिसकी वजह से एरब स्प्रिंग हुआ राइट सो आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबल तो अब जो नेक्स्ट आंसर एक्सपेक्टेड है वो यही है कि वो भी पॉसिबल कॉजे की बात करें अब चॉइसेस एक्सप्लोर कर लेते हैं ठीक है दस यूथ अनरेस्ट वॉज द मेन रीजन तो यहां पर कंक्लूजन हो सकता था हम ये नहीं कह रहे कि लास्ट स्टेटमेंट कैन नॉट एक्ट एज अ कंक्लूजन इट कैन बट हम इस डिस्कशन से ये तो नहीं कह सकते यूथ अनरेस्ट वॉज द मेन रीजन ये तो कहीं से आप इन्फर नहीं कर सकते कि मेन रीजन था राइट सो दिस चॉइस आउट बिकॉज नोवे फ्रॉम द डिस्कशन दिस पॉइंट इज इमर्जिंग सो दिस इज नॉट इन सिंक विद द प्रोग्रेशन ऑफ द डिस्कशन ए चॉइस गोज आउट सम ऑल्सो साइट तो ऑल्सो क्या कर करे डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है दैट दीज आर द रीजन ऑल्सो से आइडिया बिल्ड हो रहा है क्लिक करना चाहिए आपको राइट right? टू थाउजेंड नाइन टेन इरानियन इलेक्शन बिहाइंडीपलर डिस्कशन कीप बी अगेन सीओ डी को एक्सप्लोर करिए देखिए कि क्या हो सकता है करेक्ट नहीं हो सकता तो एलिमिनेट करिए और फिर फाइनल कॉल लीजिए द अरब स्प्रिंग वॉज ड्यू टू द वाइड गैप बिटवीन है अगर आप इस चॉइस को रखना चाहते हैं तो इसको भी आप uh, रख सकते हो इफ दिस साउंड्स दिसम्पटिंग टू यू राइट देर इज नो हार्म अगर आप कॉल नहीं ले पा रहे क्योंकि ये भी थोड़ा सा तो टेम्पिंग आंसर है ही right? राइट तो आप एंटायरली तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते सो वी विल कीप दिस राइट अब उसके बाद हम डी पर आते हैं तो जब हम डी देखें तो डी बोल रहा है कि टू सम अप द अरब स्प्रिंग वॉज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोसेस अपराइजिंग एंड आर्म रियंस अक्रॉस द अरब वर्ल्ड तो जब अभी हम डी अब डी भी टेम्पटिंग लग सकता है डी ने जब समरी करी तो समरी को समरी का पर्पज क्या होता है कि आप क्रक्स ऑफ द डिस्कशन बता दो है ना समरी में कोई नया पॉइंट नहीं आएगा जबकि डी में तो नया पॉइंट आ गया राइट right? तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया तो इन अ समरी वेन यू से इट इज थिंग यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट द पॉइंट इन द डिस्कशन यू कांट ब्रिंग अ न्यू पॉइंट सो दैट इज द रीजन डी चॉइस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड राइट सो अब आपके पास दो आंसर चॉइस हैं यू हैव बी एंड सी एंड यू हैव टू सी विच आंसर चॉइस वर्क वेल राइट सो न नाउ एक्सप्लोर द आंसर चॉइसिस थोड़ा सा आपको अच्छा चैलेंजिंग लग सकता है इन द एग्जाम और इसी को आपको डी कोड करना है समझना है तो अगर हम दोनों चॉइसिस को कंपेयर करें तो यहाँ पे लिस्ट चली राइट इसने पहले बोला कि स्पेक्यूलेटेड दैट वाइड गैप्स इन इनकम लेवल्स में यह क्या है वाइड गैप बिटवीन है

वर्क एज एन इफेक्टिव आंसर आई होप दिस मेक सेंस तो इस तरीके से क्या करा हमने हमने देखा कि अच्छा ए तो नहीं हो सकता ए तो क्लियरली पता चल गया क्योंकि दिस वॉज नॉट द क्रैक्स ऑफ द डिस्कशन डी हमने क्यों किया कि भाई तुमने बोल दिया सम अप तो समरी में नया पॉइंट नहीं आ सकता अब ये भी आपको ध्यान रखना है बी और सी बचे सी में जो आइडिया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन हो रहा है अगर मेरे पास बी चॉइस ना होती तो सी को मैं पॉसिबली पिक करती बट बी से एक फ्रेश परस्पेक्टिव आता है आइडिया एक्सटेंड होता है डिस्कशन यू नो ऑथर की सिंक से बिल्डअप होता है तो डेफिनेटली बी इज द बेटर आंसर आई होप दिस मेक सेंस नाउ चलिए तो अब हम आते हैं दिस क्वेश्चन इज आज इन 2020 तो आई विल स्टेप असाइड आप अगेन इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो ताकि आ, आपको पता चले कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे डील करोगे दट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल राइट ट्राई दिस कई बार uh, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप पढ़ाने लग जाया करो मैं पढ़ाती भी हूँ कि हम अपने आप वीडियो पॉज कर लेंगे यस यू शुड डू दैट आल्सो और कई बार अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैरेलली करेंगे तो हो सकता है क्लास इजीली कंप्लीट हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो चलिए सो वेन पीपल मूव फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनदर द स्प्रेड ऑफ डिजीज में रिजल्ट

तो हमें देखना है कि दे किसको रेफर कर रहा है तो यहां पर मैंने बहुत इंटेलिजेंटली देखिए हम बार बार कहते हैं कि ना ग्रामर सीखने चाहे चाहिए रीडिंग कॉम्प्रीशन का भी पेपर आ रहा हो ना ग्रामर आनी चाहिए क्योंकि जिस बच्चे को ग्रामर आती है ना उसको भाषा की पकड़ हो जाती है और भाषा की पकड़ हो गई तो ऐसे क्वेश्चंस क्रैक करना इजी हो जाता है तो यहाँ पे बोला दे बिकम इल तो प्रीवियस स्टेटमेंट में कहीं दे का इंडिकेशन तो होगा कि दे प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज किया है ये यही जो माइनर डिटेल्स है ना यही आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इनको ऑब्जर्व करेंगे और यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट राइट सो दे बिकम मोर इजीली एंड कुड इवन डाई तो ऑफकोर्स पीपल की बात हो रही है सो इन टर्न न्यू कमर्स में कैच डिजीज विच वर नॉट प्रेजेंट वेयर दे केम फ्रॉम तो बेसिकली इट इज ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट्स द डिस्कशन इज ऑल अबाउट राइट सो लेट्स कम टू चॉइस ए

रिजल्ट इनहेंसिंग कंडीशन फॉर पीपल लिविंग इन बिग सिटीज आप कहोगे कहें बिग सिटीज में कैसे कंडीशन इनहेंस हो रही है राइट right? तो कई तो इतनी इजी चॉइसिस होती है एलिमिनेट करने के लिए सो पॉल्यूशन इरेवेंट है इनहसिंग कंडीशन वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है पावर है दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट तो जो बच के ले दे के चॉइस बचती है जो बिल्कुल रेलिवेंट है तो so, लॉजिक से आप सी तक पहुंचोगे कि भाई हाँ तो वो दे को भी जस्टिफाई करिए कि जर्म आ गया तो पीपल हैव नो नेचुरल प्रोटेक्शन उससे क्या होगा दे विल बिकम मोर इजली इल एंड दे कुड इवन डाई तो रैशनल बिल्ड हो गया इजी कनेक्टिविटी विद द नेक्स्ट आइडिया एंड दैट हेल्प्स अस एस्टेब्लिश द फ्लो ऑफ डिस्ट्री

हु होप्स टू मेक इट बिग एज अ मॉडल एक्टर ये भी आप एसोसिएट कर पाओगे राइट सो वाइल हैंगडियोज आर वेरी पॉपुलर हैोर इट बेटर शो केसेज इज क्रिएटिव साइड सो कुछ उसने सोशल मीडिया पर सीरीज डाली जो बड़ी पॉपुलर है राइट ही यूज अ वराइटी ऑफ फिल्टर्स एंड विजल इफेक्ट टू इम्प्रूव हिज वीडियोज तो समर बहुत बढ़िया कर रहा है सोशल मीडिया पर कहानी ये अब देखते हैं कौन सा एक सेंटेंस है जो हम इंसर्ट कर सकते हैं जिसको लॉजिकली बिल्ड करेगा राइट सो नाउ टेक नॉट सी वी आर जनरलाइजिंग राइट बट अगर आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से फीलिंग आती है कि इसको रख सकते हैं तो रख लेते हैं बट एनी वेज टेलीविजन तो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है ना तो so, टेलीविजन में आपकी घंटी बजनी चाहिए कि हम तो सोशल मीडिया की बात करें तो पॉपुलर सोशल मीडिया का स्टार हुआ ना तो so, टेलीविजन पे क्या पॉपुलर है वो तो इेलीवेंट है तो so, टेलीविजन से यहाँ तक हो सकता है वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ ये एक पॉसिबली कन्वेंसिंग स्टेटमेंट है बट टेलीविजन वी कांट से ठीक है दिस वन ऑफ द वेज यंग मैन मेक मोर मनी मनी मेकिंग का पॉइंट तो आया नहीं इट इज पॉसिबल टू बी पॉपुलर ऑन इंटरनेट ऑल दो मेकिंग मनी तो मेकिंग मनी वाला एस्पेक्ट इज नॉट इ रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट इज मतलब इज इरेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट नॉट रेलिवेंट तो डी पर आते हैं दिस शोज हाउ इट इज पॉसिबल टू फॉर पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी तो अब आप देखिए अगर आप ए और डी ए को भी रख लेते मतलब आप नहीं एलिमिनेट कर पाते तो भी आप डी से बहुत इजिली कनेक्ट करोगे क्योंकि कहानी ने शुरू से ही बोला कि यंग मैन है उसके सपने बड़े-बड़े हैं एनी इज कमिंग फ्रॉम अ विलेज सो दैट मींस ही इज अ पर्सन विद लिमिटेड एक्सपोजर सो इन द सिंक ऑफ द डिस्कशन एंड सिंक विद समर स्टोरी क्योंकि कहानी तो समर की चली ना तो समर की स्टोरी से आप क्या लर्निंग ले सकते हो वो डी सबसे बढ़िया तरीके से जस्टिफाई करता है ठीक है चलिए सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस हैज बीन टेस्टेड इन IPMAT 2021 तो अगर आपको uh, कभी इस तरीके का पैराग्राफ मिले जिसमें ब्लैंक ना हो तो आप इसी तरीके से अज्यूम करिए कि आपको लास्ट में स्टेटमेंट को इंसर्ट करना है राइट सो ऑलवेज डोंट वरी कि मेरे को तो ब्लैंक दिख नहीं रहा मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में सो यू हैव टू जस्ट इंसर्ट द स्टेटमेंट इन द एंड ऑफ द डिस्कशन दैट्स एग्जैक्टली वॉट यूर सपोज टू डू राइट डोंट गेट बॉगल्ड डाउन कि भैया ये क्या चल रहा है मेरे साथ चलिए सो कैप्टिव ब्रीडिंग ब्रीडिंगज़ हेल्प रिवाइव वाइल्ड लाइफ सच एज़ यूरेशियन बीवर ये एक तरह की स्पीशीज़ है तो परेशान मत होइएगा ये, ये बीवर चीता और अरेबियन ऑंग्स मुझे पता ही नहीं है तो कह रहे कैप्टिव ब्रीडिंग से इन स्पीशीज़ को रिवाइव रिवाइव करना मतलब ख़त्म हो रही थी और वापस दे आर गेनिंग देयर प्रेजेंस तो रिवाइवल में हेल्प मिली है ठीक है सेवरल स्पीशीज हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन टू लोकेशन इन ऑर्डर दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड तो कई बार एक एक स्पीशी एक्सटेंड हो गई उसको री प्लेस uh, किया गया कहीं और से लाके ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रह सके ठीक है वेन हर्बी वोरस बैंडिकोट्स अभी बैंडिकोट्स क्या है परेशान मत होना बस गेट द कॉन्टेक्स्ट एंड मूव ऑन राइट सो बेन हर्बी वोरस बैंडीकूट्स वर सेट फ्री इन द वर्ल्ड दे डग द ग्राउंड एंड री डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राई लीवस इन ब्रांचेस रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ बुश फायर तो जब उन्होंने कह रहे हैं कि हर्बी वोरस बैंडीकूट्स वन टाइप ऑफ स्पीशीज तो जब उसको सेट फ्री किया वाइल्ड में तो उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड में डग करके खट्टा खोद के रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ड्राई लीवस का जिससे क्या हुआ कि बुश फायर के चांसेस रिड्यूस हो गए बट सम्रिडेटर्स ओवर हंट और थ्रेटन अदर वेबल स्पीशीज तो दीज आर एडवांटेजेस फिर बट आ गया पर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रिडेटर्स होते हैं जो उनको हंट कर देते हैं राइट तो स्पीशीज को हंट कर देते हैं तो लेट सी हेंस वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन शुड रिवाइव मोर ऑफ हर्बी वोरस एनिमल्स तो ये नहीं कह सकते कि मोर ऑफ हर्बी वोरस ये कंक्लूसिवली आप नहीं बोल सकते राइट right? तो so, ये कंक्लूजन ये है कि कैप्टिव ब्रीडिंग से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करने और हर्बी फोरस वोरस बैंडीकूट्स ने कैसे हेल्प किया पर कुछ यू you नो know, ऐसे प्रेडेटर्स भी होते हैं पर हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा हरबी वोर्स को करना चाहिए ये कंक्लूसिवली नहीं निकल के आता राइट सो हेंस यू कान इट एज अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन सो ए चॉइस गोज आउट कंजर्वेशन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स इज कॉम्पलेक्स एंड कूड बी डेंजरस तो कार्निवोरस के एनिमल्स का कैसे कॉम्पलेक्स है अगेन भी कार्ड्स इंसर्टिंग द स्टेटमेंट देर कैन भी टू पॉसिबिलिटीज राइट आई थर इट इज अ कंक्लूजन और इट्स एन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस आइडिया सो अगेन बी इज नॉट फिटिंग द पैराडिम द रिवाइवल ऑफ इकोसिस्टम देयर फॉर डिपेंड्स ऑन ईटिंग हैबिटिट्स ऑफ एनिमल्स इंट्रोड्यूस देर एन राइट तो ये आप फिर भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई ना यहाँ पे आपके पास एक ये भी रैशनेल आ गया जहाँ पे बैंडी को कवर कर लिया और ये भी का आ गया कि प्रिडेटर्स भी कई बार आ जाते हैं ठीक है सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम कहीं से ये नहीं कह सकते कि इस हर को ये रिवाइव करना है तो ए चॉइस एलिमिनेट हो गई राइट और हमने बी कैसे ग्राउंड पे एलिमिनेट करी कि uh, उसने कहा कार्निवोर्स ही कॉम्प्लेक्स है तो यू कैन नॉट डू इट तो रिवाइवल किस पे डिपेंडेंट है कि ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं एनिमल्स की राइट सो so, जहाँ पे बैंडीकूट्स का बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इससे तो क्या हुआ कि बुश फायर के चांसेस रिड्यूस हो गए और लास्ट सेंटेंस में प्रेटर्स का परस्पेक्टिव ले लिया तो डिपेंडिंग ऑन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स या हरबी वोर्सिवोर्स हो इको सिस्टम डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट होगा राइट तो हर भी वोर से पॉजिटिव हुआ यहाँ पर प्रिडेटर से नेगेटिव हो सकता है तो किस पे डिपेंडेंट है कैसे ईटिंग हैबिट्स है इसको हम रख सकते हैं देयर फॉर ऑल स्पीशीज मस्ट बी रिवाइव एंड अलाउड टू तो मैंने आपको पहले ही कहा था शुरू में भी एक्सट्रीम आंसर्स को लेकर आपको केयरफुल रहना याद है ऑल ऑलवेज नॉन ओनली मस्ट नेवर ऑल स्पीशीज के बारे में हम नहीं बोल सकते राइट इन द गि कॉन्टेक्स कंक्लूसिवली वी कांट टॉक अबाउट ऑल स्पीशीज हाउ कैन वी वी कांट सो दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट सो वट इज द करेक्ट आंसर चॉइस दैट्स इमर्जिंग दैट्स सी ठीक है चलिए ना लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी इंटेस्टेड इन आई पी मैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन

पढ़ लीजिए ये जापान इन मेनी वेज इज सीन एज अ सेफ चॉइस तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फिर भी जापान सेफ चॉइस इमर्ज करके आ रहा है यानी yani पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव यू नो पॉजिटिवली नेगेटिव की बात कर रहा होगा पॉसिबली नेगेटिव की बात करोगा तभी तो ये ट्रांजेक्शन जस्टिफाई होगा कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी जापान सेफ है राइट सो लेट्स बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ होस्टिंग बिग इवेंट्स इट हैज एन इम्पैकेबल इम्पैकेबल मतलब जिसमें कोई दिक्कत ना हो जैसे फ्लॉलेस बोलते हैं कि ये तो फ्लॉलेस है विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी इशू सो वॉट इज इम्पैकेबल फ्लॉलेस

इंटरनेशनल ओलंपिक कम्यूटी एज़ फुली सपोर्टेड तो ये कहाँ से आ गई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कम्यूटी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही और फिर कह रहे हैं जापान सेफ है तो या तो कहते सपोर्ट करिए तो कैसे सपोर्ट करिए तो अगर उस डायरेक्शन में आइडिया बिल्ड होता तो सी को एंटरटेन करते ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चॉइस चली गई जापान इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक रिसेशन बॉस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिसेशन तो कोई चॉइस जो सबसे कन्विंसिंगली निकल के आती है वो बी निकल के आती है ठीक है इकोनॉमिक रिसेशन की बात नहीं हो रही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सपोर्ट भी किया और आगे बोलता कि कैसे कैसे सपोर्ट किया दिस वुड हैव मेड सेंस ट्रांजिशन है कि इतनी सब परेशानियों के बाद भी जापान सेफ है तो पहले वाला स्टेटमेंट परेशानी की बात करना चाहिए जो बी कर रहा है अब ये कह रहा है कि जैपनीज एंक्शियस है पर वेलकम करेंगे फिर जापान सेफ है ये तो आइडिया आगे जाता है फिर पीछे जाता है फिर आगे चला जाता है सो इसे डिग्रेशन हो रहा है इन द थॉट प्रोसेस सो वी विल नॉट एंटरटेन ए एंड बी विल बी द राइट चॉइस ठीक है तो आई होप आपको मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में यू रियली इंजॉयड द प्रोसेस वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड स्टे कंसिस्टेंट राइट आप हमेशा फोकस करिए ऑन द प्रोसेस अगर आप सिंसियरिटी से मेहनत कर रहे हैं द रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर फेवर राइट सो कीप वर्किंग हार्ड ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू